हरियाणा के पानीपत शहर से आशा कार्यकर्ताओं के लिए ताज़ा खबर। आशा वर्कर्स को जिला प्रशासन की चेतावनी, कहा धारा 144 लागू, जिला सचिवालय में ना दे धरना। देखिए, एसडीएम ने कहा जिला सचिवालय में धरना नहीं दे सकते। आशा वर्कर्स की मांगे हैं कि ऑन ड्यूटी मृत्यु होने पर एक स्वजन को मिले सरकारी नौकरी, मानदेय और प्रोत्साहन राशियों को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। लेकिन हरियाणा में आशा कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन की चेतावनी लगातार दी जा रही है, उन्हें धमकियां दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि 144 धारा लागू किया जाएगा, उन पर कार्यवाही की जाएगी। हम आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा, संबंधित सीटू और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्यव्यापी आह्वान पर वर्कर्स का जिला सचिवालय में धरना 55वें दिन भी जारी रहा। एसडीएम मनदीप सिंह ने धरना दे रहे लोगों को चेतावनी देते हुए बताया कि परिसर में धारा 144 लागू है, परिसर में धरना नहीं दे सकते, उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता में जिला प्रशासन की चेतावनी को लेकर रोष व्याप्त है। वर्कर्स का कहना है कि फ्लाई ओवर के नीचे की जगह पार्किंग के लिए ठीके पर दी हुई है, वहाँ धरना नहीं दे सकते। जिला सचिवालय और नागरिक अस्पताल में बैठने नहीं दिया जा रहा है। वर्कर्स ने मांग की कि जिला सचिवालय से धारा 144 हटाई जाए। जिला सचिवालय में नहीं बैठने दिया गया तो जीटी रोड पर बैठकर धरना देना वर्कर्स की व्यवस्था होगी। पूर्व जिला प्रधान सुमन शर्मा, कोषा अध्यक्ष सुशील, उप प्रधान आशा सीमा शर्मा आशाओं को संबोधित करते हुए कि जिला प्रशासन हो या फिर हरियाणा सरकार, आशा कार्यकर्ता किसी भी हालत में तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतंत्र में अपने अधिकारों के पाने के लिए शांति प्रिय आंदोलन उनका अधिकार है। सीटू राज्य सचिव सुनील दत्त ने हरियाणा सरकार को महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि करनाल में 8 अक्टूबर को मजदूरों की विशाल ललकार रैली होने जा रही है, जिसमें हरियाणा के मजदूरों की लाखों की संख्या होगी और रैली में आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन मुख्य होगा। लगातार इनकी मांगे ये है कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया मासिक लागू किया जाए, ऑन ड्यूटी मृत्यु होने पर एक स्वजन को सरकारी नौकरी मिले, मानदेय और प्रोत्साहन राशियों को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, ईएसआई पीएफ और रिटायरमेंट लाभ मिले, सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष की जाए, स्वास्थ्य विभाग के इन कामों में आई बाधा, गर्भवती के रूटीन चेकअप में दिक्कत, प्रसव के समय आशा वर्कर नहीं साथ, बच्चों का टीकाकरण में आई कमी, होम डिलीवरी बढ़ने की संभावना, निजी अस्पतालों में डिलीवरी बढ़ने की संभावना, टीबी मरीजों को नहीं खिलाई जा रही दवा, डेंगू केसों में आशा एक्टिविटी से बाहर। देखिए, आशा वर्कर्स की हड़ताल जारी और पुलिस लगाएंगी गंभीर आरोप, पुलिस पर लगाएंगे गंभीर आरोप और आईजी कार्यालय पर बोलेंगे धावा। हरियाणा में आशा वर्कर्स हड़ताल जो है, उनकी हड़ताल लगातार 55वें दिन जारी रही और उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार सभी आशा कार्यकर्ताओं के न्यूनतम वेतन जो है 26,000 करना ही होगा। बुधवार को गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कोठी पर जाने से उनको रोका गया, पुलिस बसों में बैठाकर दूसरे जिले में ले गए और उन्हें शाम को छोड़ा गया। काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हड़ताल पर है। हरियाणा में हज़ारों की तादाद में आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर है। आज उनकी तैयारी अंबाला रेंज के आईजी कार्यालय का घेराव करने की है। उनका आरोप है कि बुधवार को गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कोठी पर जाने से उनको रोका गया, साथ ही पुलिस ने धक्का मुक्की भी की, वहीं बसों में बैठाकर दूसरे जिलों में ले गए और उन्हें शाम को छोड़ा गया। आशा वर्कर्स काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हड़ताल पर डटी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार सभी आशा वर्कर को न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 दे। इसी के चलते आशा कार्यकर्ता लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। वेतन बढ़ाने के साथ साथ आशा कार्यकर्ता खुद को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है। आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों से राज्य सरकार द्वारा आशाओं के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसी तरह 12 साल से केंद्र सरकार द्वारा आशाओं के इंसेंटिव में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। सरकार को तुरंत प्रभाव से आशा कार्यकर्ताओं की समस्या और मांगों का समाधान करना चाहिए।